नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। पुतिन ने ज़ेलेंस्की से कुर्स्क का बदला कैसे लिया है और यूक्रेन के 13 राज्यों में क्यों है रेड एयर अलर्ट। विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। कुर्स्क में घुसपैठ का बदला रूस ने फिर कीव में विध्वंस मचा कर लिया। रूस के मिसाइल हमले से न सिर्फ जनरल स्टाफ का ठिकाना दहल गया बल्कि धमाकों की गूंज से पूरा कीव कांप उठा। 24 न्यूज पर जारी तस्वीरों को देख आप हमले से हुई बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। रूसी अटैक के दौरान दर्जनों फाइटर ड्रोन कीव के आसमान में नजर आए। वीडियो जारी कर यूक्रेनी डिफेंस ने दुश्मन के कई ड्रोन तबाह करने का दावा किया। शहर के अलग अलग इलाकों से रूसी ड्रोन के टुकड़े बरामद हुए हैं। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से प्रचंड प्रहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी से कीव पर 8 मिसाइल दागे गए। सभी हमले रूसी बॉम्बर TU-95 से किए गए। रूस के विस्फोटक अटैक से कीव पर भारी नुकसान का दावा है। कुर्स्क के प्रतिशोध में जल रहे रूस ने सिर्फ कीव नहीं बल्कि चेरकासी और मिरगोरोद में भी भीषण हमले किए। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर शाहिद ड्रोन से कई अटैक हुए। रॉकेट से भी हमले किए गए। मिरगोरोद पर रूस ने MLRS अटैक अचानक शुरू किए। 13 यूक्रेनी स्टेट पर 10 घंटे से बारूदी बौछार जारी है। रूस ने इस दौरान 109 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। सिर्फ कीव में 25 से ज्यादा हमले हुए। हालांकि यूक्रेन ने पोल्तावा से लेकर निप्रोपेत्रोविस्क तक रूस के 99 ड्रोन नष्ट किए जाने का दावा किया है। कुर्स्क को लेकर रूस बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। सुरक्षा थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक रूस ने बेलारूस से सैनिक और BMARC टैंक मंगाए हैं जिन्हें कुर्स्क के लिए रवाना किया गया। कुर्स्क में 30,000 रूसी सैनिकों की तैनाती की खबर है। कुर्स्क में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी भी कई अहम मोर्चों पर यूक्रेनी आर्मी मजबूत स्थिति में है। केवल उसकी 225वीं बटालियन को रूस पीछे कर पाई है। रूसी सेना छोटे हमले कर रही है। रूस यूक्रेन के अलग अलग दावों के बीच कुर्स्क से विध्वंसक जंग का वीडियो सामने आया। क्रिमियानोए में सटीक हमला कर यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। अब तक जंग में रूस के 30 से ज्यादा टैंक बर्बाद करने का दावा है। कुर्स्क में आगे बढ़ रहे यूक्रेन ने रूस के किरोव पर पहली बार ड्रोन से हमला बोला। ऑयल डिपो को तबाह करने के इरादे से यूक्रेन ने 5 ड्रोन भेजे थे मगर ये मिशन अधूरा रह गया। गवर्नर की माने तो डिपो को इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा।